फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। तो आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, पहला पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑफ द कॉइल। तो पहला फैक्टर क्या है, आप किसी भी सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देख लें, उसमें नंबर ऑफ टर्न न्यूमिनेटर में है, तो अगर आप एन को बढ़ाते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पर एक प्रॉब्लम है, कोई कहता है सेंसिटिविटी बढ़ानी है, नंबर ऑफ टर्न 100 है, चलो 200 कर देते हैं, चलो 400 कर देते हैं, चलो 4000 कर देते हैं, अरे इतना सा गैल्वेनोमीटर है, कितना ही लपेट दोगे उसमें, पता लगे इतना 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 लपेटते इतना बड़ा गैल्वेनोमीटर हो गया, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो बंदे बुलाने पड़ रहे हैं, भाई तू उठाइए और गैल्वेनोमीटर कैसा है, इतनी ज़्यादा हैवी हो गया, तो ये भी नहीं कर सकते, और भी प्रॉब्लम है, बल्कि हो जाएगा एक तो, और दूसरा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जितनी तारें यूज़ करोगे एन ज़्यादा करोगे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। मेजर कितना करना है, 0.02 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस कितनी है 1000 ओम, तो क्या निकलेगा, इतनी तो वोल्टेज भी नहीं होगी आपके पास देने के लिए, तो आप वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, आप कुछ लिमिट तक सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, पर ये नहीं है कि आप जितने मर्जी नंबर ऑफ टर्न लेते रहें और सेंसिटिविटी जितनी मर्जी इंक्रीज करें, बहुत और फैक्टर्स भी आ जाएंगे, पर हाँ एन इंक्रीज करने से ऐसा हो सकता है। तो बट एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट बिकॉज इट विल मेक गैल्वेनोमीटर बल्की एंड विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आर प्रॉब्लम है। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई कहता है ठीक है एन तो बढ़ा दो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा दो, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो न्यूमिनेटर में ये भी एरिया भी न्यूमिनेटर में है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसमें सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो, मैग्नेट प्लेन लेने की बजाय आप हॉर्सशू लो, उसमें एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो आप मैग्नेट क्या लेंगे, स्ट्रांग हॉर्सशू मैग्नेट लेंगे और उसको लपेटेंगे, कॉइल्स को लपेटेंगे किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। सॉफ्ट आयरन कोर हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक मटीरियल है, ज़बरदस्त मैग्नेटिक मटीरियल है। जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है, यदि खुद ही मैग्नेट बन जाता है, मतलब एक तो मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से खुद उसमें जाके खुद मैग्नेट बन जाता है, तो और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे और टॉर्क कैन बी जनरेटेड, तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को इसमें यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट है, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, अब एरिया की भी लिमिटेशन है, एरिया कितना लोगे कॉइल का, इतना, अच्छा और इंक्रीज, इतना और इंक्रीज, इतना, अब कमरे जितना बड़ा तो गैल्वेनोमीटर बनेगा नहीं, तो इसलिए एरिया की भी क्या है, लिमिटेशन है। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ कुछ एरिया इंक्रीज करके यू कैन इंक्रीज दी सेंसिटिविटी, बाय डिक्रीजिंग द टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट के, क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है, तो आप के को डिक्रीज करके सेंसिटिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?